वालेकुम दोस्तों मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वो कॉमर्स कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुश हमदीक कहता हूँ मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट फोर है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम शॉप पेज पर गैलरी इमेज़ को शो करने की टेक्निक सीखेंगे जो कि नॉर्मली आपको मिलती है सिंगल प्रोडक्ट पेज पर सो so, जब भी आप किसी सिंगल प्रोडक्ट पेज को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको या तो गैलरी इमेज़ मिलते हैं जिनको आप स्क्रोल कर सकते हैं थंबनेल की मदद मतलब से या फिर आपको वहाँ पर अटैचमेंट्स की जो भी आपने सॉरी वेरिएशंस uh, की ऐड uh, की हुई हैं उनके जो इमेजेस होते हैं हर वेरिएशन का इमेज वो भी आपको मिल जाता है सो so, उसी चीज़ को सिंगल प्रोडक्ट पर जो शो होती हैं उसको हम आज इस प्रोडक्ट लूप मतलब शॉप पेज के ऊपर इस्तेमाल करना सीखेंगे और देखेंगे कि उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं शॉप पेज पर ताकि यूज़र को सिंगल पेज पर जाना ना पड़े गैलरी इमेजेस को देखने के लिए या सिर्फ वेरिएशंस को देखने के लिए सो so, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सोल्यूशन पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें थैंक यू वेरी मच तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को सो so, जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट के सिंगल पेज को विजिट करते हैं तो उस पेज के अंदर मौजूद उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद वेरिएशंस या गैलरी में जिसको हम एज अ थंबनेल और उनको हम एक एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं फॉर एग्जांपल जहाँ पर अगर हम हुडी को देखें ये जो हुडी है इसको ओपन करें ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है तो इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर थम मिल जाते हैं तो आप थम नेल्स की मदद मतलब से इसको स्क्रोल कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो हुडी विद लोगो है सो तो इसमें हमारे पास यहाँ पर हुडी विद लोगो आई थिंक लोगो कलेक्शन है तो ये हमारे पास एक और इमेज है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये यह गैलरी इमेजेस शो हो रहे हैं सो तो हमारी आज की जो टेक्निक है वो ये है कि यही चीज़ जो हमने यहाँ पर देखनी है सिंगल पेज पर उसको हमने ऐड करना है यहाँ शॉप पेज पर तो देखते हैं कि ये किस तरीके से हम कर सकते हैं डेफिनेटली इसको करने के लिए हमें सेम वो सिंगल पेज वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा सो so, सिंगल पेज पर जो वो कॉमर्स है वो फ्लैक्स स्लाइडर को यूज़ करता है तो उस फ्लैक्स स्लाइडर को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर भी मतलब लूप पेज पर भी यूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम यहाँ पर थम लगा कर उसकी मदद से उनको शो करेंगे इमेजेस को जो मल्टीपल इमेजेस हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है इन इमेजेस को रिमूव करना है जो एग्जिस्टिंग इमेजेस हैं ये जो इनके लोगों हैं सेल वगैरह के इनको हम एज इट इज़ रहने देंगे इनको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेटली ये हमें एज इट इज़ शो करनी है जो प्रोडक्ट्स सेल पर हैं तो सबलेम टैक्स में आते हैं यहाँ पर हम तो सबसे पहले हमें क्या करना है इन इमेजेस को रिमूव करना है तो हम जानते हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो लूप पेज पर पे पे शो हो रही हैं शॉप पेज पर वो इस कंटेंट डैश प्रोडक्ट के अंदर मौजूद एक्शंस की मदद मतलब से डिस्प्ले हो रही हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक हुक है वो कॉमर्स बिफोर शॉप लूप आइटम टाइटल और इसके साथ दो हुक्स अटैचड हैं ये दो हुक्स अटैच्ड हैं दोनों की प्रयोरिटी टेन है पहली हुक है वो कॉमर्स शो प्रोडक्ट लूप सेल फ्लैश जो कि शो कर रही है आपको ये आइकॉन अगर प्रोडक्ट सेल पर लगी हुई है तो ये आइकन शो होगा हो और दूसरा है वू कामरस टेम्परेट लूप प्रोडक्ट थम तो ये जो थम ने आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले इस हुक की मदद से ओपन हो रहे हैं मतलब तो शो हो रहे हैं सो तो सबसे पहले मैं इस हुक को कॉपी करता हूँ जो हमने यूज़ करनी है और फिर इसके साथ जो हुक्ड फंक्शनज़ हैं ये दोनों फंक्शन हैं ये दो जो हैं ये फंक्शनज़ हैं और ये जो है वो हुक है सो तो इस हुक को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो मैं इस वक्त हूँ वू कामरस डॉट पी एच पी में जो कि हमने आई एन सी के फोल्डर में क्रिएट की थी फॉर कस्टमाइजेशन परपज़ और यहाँ पर मैं लिखूँगा एड एक्शन और उसको कर ए, कर, पेस्ट कर दूंगा फिर पी डब्ल्यू एस पी के प्रीफिक्स देकर मैं उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा ताकि मुझे नेमिंग कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम ना रहे अब यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे मैं यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करूँगा सेम ये वाला फंक्शन तो देखिए ये दोनों सेम हाईलाइट हो चुके हैं तो ये फंक्शन मैंने सेम नेम के साथ क्रिएट कर लिया अब यहाँ पर हमने इमेजेस को रिमूव करना है तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट चाहिए सो ग्लोबल प्रोडक्ट चूँकि हम ईच प्रोडक्ट के अंदर जाकर जब लूप चलता है तो उस प्रोडक्ट के अंदर से सारा डाटा उठाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ग्लोबल प्रोडक्ट वेरिएबल जो है वो उस प्रोडक्ट की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सारी डिटेल हमें रिटर्न करेगा तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने चेक करना है कि उसके अंदर गैलरी इमेजेस हैं या नहीं हैं उस प्रोडक्ट के अंदर ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली उसके जो थंबनेल है उसको रिमूव कर सकें तो so, यहाँ पर हम लिखेंगे कि अटैचमेंट आई डीज इज इक्वल टू प्रोडक्ट गेट और यहाँ पर हमारे पास गेट गैलरी इमेज आई ये एक फंक्शन है वो का फंक्शन है यहाँ पर अगर मैं माउस को होवर करूं तो देखिए ये हमें बता रहा है कि ये एक पब्लिक फंक्शन है जो कि एबस्ट्रैक्ट वर्ल वो कामरस प्रोडक्ट डॉट पी एच पी के अंदर है और वो कामरस इस प्रोडक्ट इस फंक्शन को मल्टीपल जगह पर आप देख सकते हैं कि यूज़ कर रहा है ये देख सकते हैं प्रोडक्ट थमनेल को जनरेट करने के लिए सो प्रोडक्ट गेट गैलरी इमेज़ इफ़ अटैचमेंट आई डीज एंड प्रोडक्ट गेट इमेज आई डी है तो वो यहाँ पर फॉर ईच लूप चलाकर उसको सिंगल प्रोडक्ट इमेज थम ने एच टी एम एल क्रिएट करके हमें यहाँ पर डब्ल्यू पी गेट गैलरी इमेज एच टी एम एल रिटर्न कर रहा है लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी टेक्निक को डिफरेंट करेंगे हम यहाँ पर इस अटैचमेंट आई डीज को डिटेक्ट करेंगे डेफिनेटली और प्रोडक्ट गेट इमेज आई डी को भी डिटेक्ट करेंगे कि उसमें इमेज आई डी अवेलेबल है या नहीं सो so बेसिकली यही टेक्निक हम यूज़ करेंगे लेकिन ये जो लूप के बाद वाला ये जो कॉन्टेंट है इसको हम चेंज करके इसको फ्लैक्स स्लाइडर की मदद से डिस्प्ले करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये यह सिर्फ और सिर्फ इसको शो कर रहा है एच टी एम एल को जो थम uh, नीला है सो so सबसे पहले हमने गेट कर ली इमेज आईडी सो इफ़ जैसे कि यहाँ पर उसने चेक लगाया ये वाला इफ़ अटैचमेंट आईडीज अगर तो हमारे पास अटैचमेंट आईडीज हैं एंड प्रोडक्ट गेट इमेज आईडी डी यहाँ पर गेट इमेज आईडी है अगर तो प्रोडक्ट की गेट इमेज आईडी है तो उस इमेज आईडी को हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं तो बेसिकली मैंने इमेज आईडी को तो डिस्प्ले करवाना ही करवाना है सो गेट इमेज आईडी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो इमेज होगी उसको ले लेगा और यहाँ पर फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अटैचमेंट आईडी को पास कर देना है तो ठीक हो गया और यहाँ पर अब हम इसको पास कर देंगे अब अगर तो वो गेट इमेज आईडी कर लेता है तो यहाँ पर हमने क्या करना है उसको यहाँ से रिमूव कर देना है एक्शन रिमूव एक्शन की मदद मतलब से हमने प्रोडक्ट थंबनेल को रिमूव कर देना है और उसके अलावा यहाँ पर हमें एक और चीज़ भी ऐड करनी है कि जो डब्ल्यू पी एन क्यू स्क्रिप्ट की मदद मतलब से हम यहाँ पर फ्लैक्स स्लाइडर को भी ले आएंगे। सो रिमूव एक्शन में हमने यहाँ पर कॉपी करना है इसको और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर हमें कौन सी ये वाला प्रोडक्ट थंबनेल फंक्शन रिमूव करना है तो इसको हम रिमूव कर देंगे और दूसरी चीज़ यह है कि यह एक्शन हमें इस एग्जीक्यूट करने से पहले इसको रन करना है तो यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी जो है वो कंटेंट प्रोडक्ट के अंदर यहाँ इनकी प्रायोरिटी टेन टेन है तो मैं यहाँ पर उसको नाइन नाइन देकर नाइन दे रहा हूँ तो उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा प्रोडक्ट गेट करेगा एन क्यों करेगा स्लाइडर को फिर अटैचमेंट आई डीज़ को फेच करेगा फिर चेक करेगा कि उसमें है तो रिमूव एक्शन कर दो थंबनेल को तो यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने इस इमेज की कि जिस चीज़ के अंदर हमारे पास स्लाइडर और कलेक्शन मौजूद है उसने उनकी इमेजेस को यहाँ से रिमूव कर दिया अदर उसने यहाँ पर बाकी इमेजेस को रिमूव नहीं किया ये देख सकते हैं आप यहाँ पर सारे इमेजेस हैं सिर्फ इन की उसने इमेजेस रिमूव किए देखेंगे हम जब हम इसकी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे कि वो स्लाइडर कैसे शो करना है तो उसके बाद हमें ये इसके साथ यहाँ पर इमेजेस शो हो जाएंगे इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास फ्लैक्स स्लाइडर भी जो जे का वर्जन है ये देखिए फ्लैक्स स्लाइडर भी इंस्टॉल एक्टिवेट फ्रंट एंड पर हो चुका है शॉप पेज पर तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमने इस फ्लै स्लाइडर को यूज़ करना है तो फ्लैक्स स्लाइडर को यूज़ करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ये रिमूव कर दिया एक्शन तो उसके बाद यहाँ पर अब हमने ये लॉजिक लगानी है सो अटैचमेंट आई डी से हमने लेने हैं सारे इमेज़ सो फॉर ईच अटैचमेंट आई डीज एज अटैचमेंट आई डी तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल अटैचमेंट आ जाएगी फिर इसके बाद हम यहाँ पर उस इमेज का जो सोर्स है वो गेट कर सकेंगे सो इमेज एस आर सी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू पी गेट गैलरी इमेज डब्ल्यू पी गेट सॉरी आई थिंक इट इज़ प्रोडक्ट गेट गैलरी इमेज आई सो ये हमें इसके इमेज आईडीज़ सॉरी हमने गेट इमेज आईडीज़ तो कर लिया है हमें डब्ल्यू पी अटैचमेंट इमेज सोर्स करना है सो so, यहाँ पर डब्ल्यू पी गेट अटैचमेंट इमेज एस आर सी ये फंक्शन हमने यूज़ करना है तो इसमें हम अटैचमेंट आईडी बता देंगे और इसके बाद उसका साइज़ बता देंगे तो इसको एको करना है या नहीं करना वो हम बता रहे हैं आइकन इज़ इक्वल टू फॉल्स है या ट्रू है इसको हम फॉल्स रख देंगे तो so, ये हमारे पास इसके पैरामीटर हैं यहाँ पर हमारे पास इमेज सोर्स आ जाएगा तो so, अगर हम अब एक्ो इमेज ऐसा सी करते हैं तो so, यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इमेज इमेज एस आर सी एंड लेटमी प्रिंट प्रिंट आर करके देखते हैं कि ये क्या डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर क्योंकि वो कह रहा है कि ये कन्वर्जन आ रही है तो इसमें हम हाँ सॉरी हमारे पास मल्टीपल इमेज आ रहे हैं इसके जितने भी इमेज हैं ये देखिए ये एक इमेज है डब्ल्यू पी हु ब्लू जे पी जी फिर इसके बाद ये इमेज है और यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर कोई इमेज नहीं आ रहा लेकिन वो इसको डिस्प्ले भी नहीं कर रहा वी विल सी कि यहाँ पर क्या इशू है क्यों उसको वो डिस्प्ले नहीं कर रहा सो so, वापस हम आते हैं सो so, इसके अलावा हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट इमेज नहीं है तो एल्स में हम इस एक्शन को दोबारा ऐड कर देते हैं सो so, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको ऐड एक्शन कर देता हूँ प्रायोरिटी टेन के साथ सेम प्रायोरिटी के साथ तो so, अब इसको मैं रीलोड करता हूँ सो so, यहाँ पर हमारे पास इमेजेस वापस आ चुके हैं जो मिसिंग इमेजेस थे क्योंकि वो जब रिमूव एक्शन करता है तो नेक्स्ट टाइम वो इमेज वहाँ पर शो नहीं हो रहा था तो इस वजह से यहाँ पर भी इमेजेस नहीं आ रहे थे और वहाँ पर भी नहीं अब हमने इसको ऐड करना है वो कैमरास फ्लैक्स स्लाइडर को इन पर इन इमेज़ पर कोई भी इमेज इसमें से ले सकते हैं सो हुडी सो जो ज़ीरो थंडेक्स वाली इमेज है ये थमनेल इमेज है और इसको हम ले, ले लेते हैं थमनेल वन फिफ्टी बाई वन फिफ्टी है उसके बाद ये भी वन फिफ्टी वाई वन है तो इसमें हम लूप लगाएंगे तो जिन जिन में हमारे पास एक से ज़्यादा इमेज हैं सब में सो तो यहाँ पर अब हम इनमें लूप लगाएंगे सो तो लूप लगाकर इसको डिस्प्ले करना है फ्लैक्स स्लाइडर के लिए तो इसके लिए हम यहाँ पर एक डिव लगाएंगे जो कि रिक्वायरमेंट है फ्लैक्स स्लाइडर की तो क्लास होगी इसकी फ़्लैक्स स्लाइडर और इस डिव के साथ इस डिव के साथ ही हम एक यूएल लगाएंगे जिसकी क्लास होगी स्लाइड्स सो ये रिक्वायर्ड इसकी टेक्निक है सो एक्ो करेंगे और उसके बाद पहले हम क्लोज़ करेंगे यू को क्योंकि यू को हमने बाद में ओपन किया फिर हम डिव को क्लोज़ कर देंगे तो ये हमने इसको ऐड कर लिया अब यहाँ पर हम फॉर ईच का लूप लगाएंगे फॉर ईच इमेज इमेज एस आर सी एज इमेज सो हर इमेज सोर्स को हम लूप चलाएंगे और यहाँ पर हम एल आई लगाएंगे और इस सॉरी एक्ो एल और एल में डाटा थंब के नाम से हमारे पास इसकी एक डाटा प्रॉपर्टी है तो इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे आई एम जी आई एम जी एस आर सी इज इक्वल टू दिस और इसके बाद हम एल को क्लोज़ कर देंगे तो ये हमारे पास थम में हमारे पास आएगा डॉलर साइन इमेज और यहाँ पर भी हमारे पास यही आ रहा ना इमेज हाँ ठीक है और यहाँ पर भी हमारे पास आएगा डॉलर साइन इमेज तो इसमें भी इमेज का पाथ आ जाएगा और इसमें भी इमेज का पाथ आ जाएगा और सारे इमेज़ यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे इन ऑर्डर सो लिस्ट की सूरत में हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे सो यहाँ पर हमारे पास इमेजेस डिस्प्ले हो चुके हैं सो अटैचमेंट आईडीज हैं फॉर ईच अटैचमेंट आईडीज। डीज़ यहाँ पर हमारे पास अटैचमेंट आईडीज हैं सो अटैचमेंट आईडी में हमने इमेज सोर्स को गेट किया तो so, इसके बाद हमने लूप चलाया इमेज आईडी का uh, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं इमेजेस आई थिंक यहाँ पर हमारे पास एक ही जगह पर है अभी इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये इसको क्यों इस तरीके से शो कर रहा है इसको लेट्स सी यहाँ पर ये चीज़ क्या आ रही है इमेज एस आर सी इज इक्वल टू वन फिफ्टी डाटा थम यहाँ पर आ गया और आई थिंक मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ इमेज सोर्स में सो so, मैं एक मिनट इसको इमेज एस आर सी सो यहाँ पर मैं इसको कॉमेंट करता हूँ रीलोड करता हूँ लफ सी कि ये क्यों इसको इस तरीके से शो कर रहा है सो so, इसमें अच्छा हाँ ठीक है ना इसमें हमें सिर्फ़ जीरो इंडेक्स वाली इमेज चाहिए थी सो so, यहाँ पर हमें जीरो इंडेक्स वाली लूप नहीं लगाना हमने क्योंकि हमने तमाम को तो नहीं लेना हमारा लूप पहले ही चल रहा है तो so, यहाँ पर हमने इसको लूप से ऊपर लेकर आना है यहाँ पर और इसको भी लूप के बाहर लेकर जाना ये एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हमें सिर्फ जीरो इंडेक्स वाली जो इमेज है वो चाहिए बाकी नहीं चाहिए तो so, लूप लगाना बनता नहीं था सो so, इमेज एस आर सी इंटू ज़ीरो ज़ीरो में हमारे पास ये देखिए इसका ये वाला पाथ है ठीक है और इसमें भी हम इमेज अंडर स्कोर एस आर सी इंटू ज़ीरो कर देंगे तो ज़ीरो इंडेक्स पर जो इमेज है उसको वो उठा लेगा सो so अब ये देखिए हमारे पास जहाँ जहाँ पर भी मल्टीपल इमेजेस हैं वो डिस्प्ले हो चुके हैं यहाँ पर जो दो इमेजेस हैं वो आ चुके हैं और इसके अलावा पेज नंबर वन पर हमारे पास एक दो तीन इमेजेस आ चुके हैं प्लस इसकी अपनी इमेज आईडी भी एक होती है इमेज गेट इमेज आईडी डी सो जो इसकी अपनी इमेज है उसको भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम इधर आई थिंक इधर लगा लेते हैं इसी चीज़ को आ, और हमारे पास प्रोडक्ट गेट इमेज आईडी है और हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में यहाँ पर आई थिंक कहाँ पर इस इमेज को गेट इमेज प्रोडक्ट हाँ यहाँ पर हम अगर इमेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट और बल्कि इसको हम इमेज कर लेते हैं इमेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट और यहाँ पर अगर मैं इसको इमेज करता हूँ और इसको रीलोड करते हैं तो अनडिफाइंड वेरिएबल ये इमेज एस आर सी इमेज एस आर सी हाँ ये इमेज एस आर सी हमें इमेज एस आर सी को यहाँ पर ठीक है वो सही कह रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इमेज एस आर सी को ऊपर एल आई में लगाने की कोशिश किया तो यहाँ पर एक्चुअली हमें इमेज लगाना है तो मैंने इसको कॉपी पहले कर दिया था हेरिवेज़ <laughs> anyway, ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं तो इसको मैं यहाँ पर ये देखिए इसकी इमेज आईडी आ गई और इसकी बेस पर अगर हम इसको दोबारा से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके इमेज पास करता हूँ और इसको कहता हूँ इमेज आ, थंब और इको करता हूँ इमेज थंब को लेट्स सी अच्छा यहाँ पर भी वो वही कह रहा है प्रिंट आर करेंगे एरे की सूरत में ये हमें रिटर्न करेगा इमेज थंब तो इसको हम प्रिंट आर करते हैं सो so, ये देखिए इसकी जो मेन इमेज है ना वो आ गई हमारे पास सो so, हुडी ठीक हो गया सो so, इसको हम यहाँ पर इमेज थंब को सॉरी ये मेन इमेज थंब है गैलरी इमेज जो है सो so, यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे सो so, इमेज थंब इंटू ज़ीरो इमेज थंब ज़ीरो हमारी मेन इमेज है इमेज थंब इन टू ये ज़रूरी है ताकि हमारे पास सारे इमेजेस आ जाएँ ये देखिए सारे इमेजेस आ गए अब और इसके भी सारे इमेजेस हमारे पास आ गए मेन इमेज के अलावा भी बाकी इमेजेस और इन पर हमारे पास यहाँ पर एड एक्शन हो रहा है एल्स की सूरत में तो अगर मैं अब एल्स इसको यहाँ से अगर ख़त्म कर दूँ हाँ तो वो बाकियों पे इमेज जिन पे नहीं है वो उस पर खत्म कर देगा है हमने यहाँ पर अपने रिक्वायर्ड इमेज को सेटअप कर लिया प्रॉपरली अब हमने इन पर स्लाइडर की तरह का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्रिएट कर लिया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्ट एलिमेंट में करके कि यहाँ पर हमारे पास डाटा थंब भी है और उसके अंदर इमेज सोर्स भी है सो डाटा थम्प क्या है और ये किस तरीके से काम करता है इसको अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे सो so इस वक्त जहाँ पर मैं वू कॉमर्स की जो फ्लैक्स स्लाइडर की एक्सटेंशन है या जो भी आप कह लें टूल किट है उस पर मौजूद हूँ और ये कह रहे जी फ्लैक्स स्लाइडर एंड आस हम फुली रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सि जे क्यू स्लाइडर टूल किट है और इसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन चूँकि वो कॉमर्स के अंदर या ऑलरेडी बिल्टन है आप इसको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं तो ये उसने इसके तरीका बताया कैसे इनको आप सेटअप करना है देखिए यहाँ से मैंने देखा था कि इसका स्ट्रक्चर हमने क्या रखना है ये इसका स्ट्रक्चर है और यही स्ट्रक्चर मैंने यूज़ किया है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं मैंने सबसे पहले डिव क्लास फ्लैक्स स्लाइडर दी उसके अंदर यूएल स्लाइड्स है और फिर उसके अंदर एल आईज हैं जिसमें डाटा थंब में भी दे रहा हूँ तो मैं बताऊँगा इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करूंगा मैं उसके बाद आपने ये कोड लिखना है फ्लैक्स स्लाइडर डॉट स्लाइडर ये वाला कोड इसको मैं कॉपी करता हूँ ये स्टेप थ्री वाला और जो हमने मेन डॉट जी एस फाइल एन क्यू की थी अंडरस्टर्प चाइल्ड के अंदर उसके अंदर ये जो जे का फंक्शन है इसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ सिंपली इसको पेस्ट करके मैं सेव करूँगा उसके बाद मैं इसको हार्ड रीलोड करूँगा कैशे को क्लियर करके सो किसी भी किस्म का कैशे है तो वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्लाइडर क्रिएट हो चुका है इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ये आइकन्स नहीं चाहिए प्रीवियस नेक्स्ट नहीं चाहिए और क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये इसकी सी एस एस की मदद से इसके ऊपर आ जाती हैं और चूँकि हम फ्लैक्स स्लाइडर की सी एस एस को यूज़ नहीं कर रहे तो इसलिए ये स्टाइलिंग हमें खुद से करना पड़ेगी अब इसमें हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शनज़ हैं स्पेशली ऑप्शन है हमारे पास ये वाला कंट्रोल नैब है सो क्रिएट नेविगेशन कंट्रोल फॉर ईच मैनुअल कंट्रोल लीव ट्रू फॉर मल्टी कंट्रोल कंट्रोल फॉर ईच स्लाइड ये और डायरेक्शन नैब ए करियर नेविगेशन फॉर प्रीवियस नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है सो ये है हमारे पास है. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लेकिन हम यहाँ पर आएंगे लाइव डेमो में और इस लाइव डेमो के अंदर हमारे पास जिसको हमने यूज़ करना है वो है स्लाइडर विद थम कंट्रोल नैब तो इसको हमने यूज़ करना है इसका एच टी एम एल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये इसका एच टी एम एल सर स्ट्रक्चर है जिसमें हमने डाटा थंब को यूज़ किया था तो इसका जे एस ये है इसमें हमें एनिमेशन देनी है कि कौन सी एनिमेशन है और इसके अंदर बाद कंट्रोल नैब को थम नेल्स कर देना है सो तो यहाँ पर वापस हम अपने इसमें आएंगे जे जे एस फाइल में और यहाँ पर एनिमेशन स्लाइड कर देंगे और कंट्रोल नैब को हम थम नेल्स कर देंगे इससे क्या होगा कि हमने जो डाटा थम वाली प्रॉपर्टी ऐड की है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी और हमारे जो इमेजेस हैं वो एज अ थम नेल ये देखिए शो हो रहे हैं अब मैं जिस पर क्लिक कर रहा हूँ वही इमेज यहाँ पर शो हो रहा है लेकिन डेफिनेटली ये इमेज थम में नहीं है ये बड़े इमेज़ हैं तो इसको थम बनाने के लिए मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ इसमें कुछ थोड़ी सी सी हमें ऐड करनी होगी सो so, सी हम ऐड करेंगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप प्रोडक्ट वाले लूप पेज पर हों यानी यह यहाँ पर ये जो हमारे पास है लूप पेज है वू कॉमर्स के नाम से सिंगल पेज में ये वू कामरस अगर हम किसी सिंगल पेज पर अगर जाते हैं तो एंट्री कंटेंट के बाद एंट्री कंटेंट के बाद हमारे पास यहाँ पर वो कॉमर्स है और यहाँ पर है सिंगल प्रोडक्ट तो ये हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट नहीं है वो कॉमरस के बाद हमारे पास प्रोडक्ट लूप है सो वो कॉमर्स के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नाम से है ठीक है तो हम इसको टारगेट करेंगे इसकी मदद से और जो हमारे पास मतलब पहली क्लास प्रोडक्ट्स होगी और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हैं आई एम जी कहाँ पर है फ्लैक्स कंट्रोल नेव और उसके अंदर तो इसको हम डिस्प्ले फ़्लैक्स कर देंगे तो इसको अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से ऐड करता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स तो देखिए ये इस तरीके से होगी फिर इसकी पैडिंग ज़ीरो कर देते हैं मार्जिन ज़ीरो कर देते हैं और इसके बाद इसमें जो हम अगर इसको चेंज करना चाहें तो पोजीशन इसकी चेंज करना चाहें एब्सोल्यूट कर देते हैं और टॉप से हम इसको फिफ्टी परसेंट कर दें तो ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल अटैच हो जाएगा इसको थोड़ा सा हम अगर और ऊपर लेके जाना चाहें तो ये देखें यहाँ तक ये यहाँ तक आई थिंक या यहाँ तक ये यह ठीक रहेगा मैं इसको बिल्कुल बराबर रखना चाह रहा हूँ तो थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाएगा तो ये फ़ोटी परसेंट आई थिंक फोटी परसेंट पर यह ठीक रहेगा या फोटी फाइव कर देते हैं अगर फोर्टी फाइव करेंगे तो इमेज दूसरे इमेज़ की नस्बत बढ़ जाएगा तो मैं इसको फोर्टी रखता हूँ इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से कॉपी किया और अपने सब लाइन में आया और यहाँ पर हमने ओपन करनी है स्टाइल अंडर स्ट्रैप चाइल्ड स्टाइल डॉट सी एस एस और इसके बाद एंड पे हमने हमने स्क्रोल डाउन करके और यहाँ पर वो कामरा सी एस एस यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बाद पहले मैं ओ एल से पहले मैं लिख दूँगा डॉट प्रोडक्ट्स ताकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स वाले पेज पर अप्लाई एंप्ला, हो सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पर अप्लाई ना हो क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पर भी स्लाइडर यूज़ हो रहा है सो तो कहीं उसको ओवर ना कर दे तो मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये हमारे पास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइडर ऐड हो चुका है और इसके बाद अगर हम इसको सिंगल पेज पर लेकर जाते हैं तो सिंगल पेज पर भी हमारे पास ये स्लाइडर वैसे ही काम कर रहा है जैसे नॉर्मली काम कर रहा था तो so, इमेजेस का साइज़ जस्ट बिकॉज जो है वो इसका बैकग्राउंड हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं आई थिंक बैकग्राउंड अगर हम इसका ट्रांसपेरेंट कर दें तो हमारे पास इसका हम बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट या बैकग्राउंड कलर अगर हम एफ 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 करते हैं तो so इसका बैकग्राउंड हर एल आई का डिफरेंट है ओके सो इट मीन्स अगर हम एल आई का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है या एफ 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 है बैकग्राउंड कलर तो आई थिंक इसका कलर चेंज हुआ है या नहीं अगर मैं इसको थ्री 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 अच्छा ये एल आई इसने इसकी एल आई को चेंज कर दिया सो so, हमें इसकी क्लास चाहिए डॉट फ्लैक्स कंट्रोल नेव एल आई सो इस पेज इसने इसको ऐड तो कर दिया इसमें एफ एफ को क्यों नहीं काम किया ज़ीरो 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 जी इंडेक्स वन वन नाइन नाइन और इसके अलावा ज़ीरो 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 नहीं और टॉप से अगर मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ तो इसका इसने फ्लैक्स कंट्रोल नैब पे बैकग्राउंड बैकग्राउंड इसने एक में हर एक एल आई इसमें हर एनी वेज आप इसको देख लीजिएगा कि कैसे इसका स्टाइल चाहिए मुझे ये अभी इसका जो बैकग्राउंड है इसका समझ नहीं लग रही कि ये बैकग्राउंड कहाँ से इसने उठाया है सो आई एम श्योर ये इमेज है और इस इमेज का बैकग्राउंड है जिस वजह से आई थिंक इमेज का बैकग्राउंड है यस सो इमेज का बैकग्राउंड है ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं है सॉरी माय मिस्टेक तो ये ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं हैर एनी वेज यहाँ तक हमने स्लाइड को ऐड कर लिया और हमारे सेकेंड पेज पर भी स्लाइड जो है वो सही तरीके से काम कर रही है सो so इसके अलावा इसके नीचे ये जो प्रीवियस नेक्स्ट आ रहा है इसको मुझे ख़त्म करना है तो यहाँ पर स्लाइडर के अंदर हमारे पास इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अगर मैं इसको बैक पे आता हूँ इसका मेन जो पेज है जो गिटअप की वो कमरा स्लैश स्लाइडर है इसमें यहाँ पर अगर स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं ठीक है इसमें यहाँ पर है कंट्रोल नैब और डायरेक्शन नैब हमने कौन कौन सा यूज़ किया हमने कंट्रोल नैब को यूज़ किया सो इसका मतलब है डायरेक्शन नैब को भी हम फॉल्स कर देते हैं यहाँ पर ताकि वो जो प्रीवियस नेक्स्ट वाली हैं वो शो ना हो तो इसको मैंने फॉल्स कर दिया इसके अलावा यहाँ पर आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं प्रीवियस टेक्स्ट और नेक्स्ट टेक्स्ट को किसी भी किसी भी चीज़ से कीबोर्ड से इसको रिमूव करना चाहें कि कीबोर्ड की, की मदद मतलब से हम नेविगेशन ना कर सकें इसके अलावा भी इसमें यहाँ पर इसके काफ़ी सारे हुक्स भी हैं लेकिन हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम यहाँ पर फ्लैक्स स्लाइडर को नहीं सीख रहे बल्कि हमने ये देखना है कि फ्लैक्स स्लाइडर को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने शॉप लूप के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर इमेजेस हमारे सेटअप हो चुके हैं अच्छा इसको हम इमेजेस को और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं अगर हम इनको साइज़ दे लें तो so, यहाँ पर अगर हम वो कैमराज़ के अंदर जो इमेज है एल आई और इस इमेज एस आर सी है इसको हम क्लास इज़ इक्वल टू थंबनेल नेल डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव दे दें दे। और यही चीज़ इसको कॉपी करके यहाँ पर भी हमें देनी होगी और तो मतलब उसका ट्वेंटी फाइव कर दे साइज़ थोड़ा और ट्वेंटी फाइव परसेंट तो इसने Uh, नहीं सॉरी यहाँ पर नहीं करना इसका जो थम नेल है डाटा थम उसमें चेंज करना है क्योंकि वो तो फिर मेन इमेज को भी चेंज कर रहा है चेंज ठीक कर रहा है तो इसका साइज़ हम चेंज कर देते हैं तो इसको हम टारगेट करेंगे इमेज को इस इमेज को टारगेट करना है इसको इमेज है, क्योंकि ये क्लास ऐड हो रही है ऑटोमेटिकली डॉट फ्लैक्स एक्टिव है तो इसमें हमारे पास है ये डॉ डॉट प्रोडक्ट्स स्पेस डॉट फ्लैक्स कंट्रोल डैश नैब या थम्स थम्स स्पेस आई एम जी डॉट फ्लैक्स एक्टिव नहीं बल्कि सिंपल आई एम जी हम इसको टारगेट करेंगे और इसके बाद इसकी विर्थ को कर देंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट हाइट ऑटो और फ्लैक्स यहाँ पर फ्लेक्स कंट्रोल डैश थम्स और इसकी विर्थ आई एम जी पर ही लगा गया ट्वेंटी पिक्सल नहीं है इस पर नहीं आया अभी तक थम्स एंड उसके अंदर एल आई एल आई एल आई के अंदर हमारे पास आई एम जी है सो so, अगर इसकी हाइट हम ये हाइट चेंज प्रोडक्ट्स फ्लैक्स कंट्रोल नहीं फ्लैक्स कंट्रोल थम्स फ्लैक्स कंट्रोल उसके अंदर ओ एल एल आई अच्छा डाटा थम so, में हमारे पास यहाँ पर टारगेट तो ठीक हो रही है सो ट्वेंटी ट्वेंटी इमेज ये वाला और इसमें हमारे पास ट्रैगेबल फॉल्स है इमेज इसकी లైక్ ఇఫ్ విడ్ చేంజ్ కరే సమ్ టైం అ ప్రాడక్ట్స్ డాట్ ఫ్లెక్స్ కంట్రోల్ థమ్స్ पे स्पेस एल ए और इसकी विड्थ हम 20 पिक्सेल हां uh, 25% करें विड्थ ट्वेंटी फ़ाइव परसेंट अब ठीक है और इसको हमने टॉप से कितना किया था इस ओ को टॉप से हमने इसको फिफ्टी परसेंट अब हम यहाँ पर इसको फिफ्टी परसेंट कर देते हैं और उसके बाद इस एल की ट्वेंटी फ़ाइव बजाय ट्वेंटी हाँ ट्वेंटी ठीक रहेगी ये ये ठीक रहेगी ट्वेंटी सो so इसको कॉपी करते हैं हम इसको कॉपी किया और इसमें आकर जो हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसकी विर्थ और इसको हमने कितना कह दिया था टॉप से फिफ्टी परसेंट ओके और इसके अलावा इसको हमने और तो कोई चेंज नहीं किया इसको रीलोड करते हैं सही हो गया अब इसके अलावा इसको फ्लैक्स है तो हम इसको जस्टिफाई सेंटर भी आसानी से कर सकते हैं ओके तो जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं या स्पेस अराउंड भी कर सकते हैं स्पेस अराउंड, ताकि वो पूरी स्पेस ले ले, जितनी भी अवेलेबल है यहाँ से यहाँ तक देखिए इस तरीके से ये शोगा स्पेस बिटवीन कर सकते हैं स्पेस इवनली भी कर सकते हैं सो so ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसकी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं सो एमपटी कैसे किया अब यहाँ पर हमारे पास थंबनेल को हमने और छोटा छोटा लिया इसको चाहें तो अब आप टॉप पर भी लगा सकते हैं टॉप ज़ीरो कर दूँ देखिए टॉप को अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो मेरे पास ये यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे मुझे आप यहाँ पर भी इनको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं सो so, ये हमारे जो लेआउट को है ना ये लेआउट को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा पोजीशन एफ सल्यूट तो यहाँ पर ये सेल के नीचे आ गया तो इसलिए इसको हम नीचे ही आप चाहें तो सेल को भी टारगेट कर सकते हैं सेल आप इसको लेकिन यहाँ पर भी अगर लेकर कर आएँ तो प्रॉब्लम तो होगी तो मैं इसको फिफ्टी ही रहने देता हूँ ओके तो अब ये ठीक है तो हमारे पास ये देखिए स्लाइडर उसी तरीके से काम कर रहा है तो so, दोस्तों ये था हमारा आज का वू कॉमर्स कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने फ्लैक्स स्लाइडर को इम्प्लीमेंट किया और अपने जो भी गैलरी इमेजेस होंगी या जो भी प्रोडक्ट की वेरिएशन होंगी वो तमाम की तमाम आपको मिल जाएंगी शॉप पेज पर और आप उनको फ्लैक्स स्लाइडर की मदद से स्क्रोल भी कर सकते हैं मूव कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं अगर जितनी भी वेरिएशन होंगी वो सारे के सारे इमेज़ यहाँ पर आएंगे अब आप उनको फिर अपने हिसाब से जिस तरीके से भी सेटअप करना चाहें सेटअप कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली स्क्रोलेबल भी है मतलब ये ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह पर स्क्रोल करेगा तो इसको भी आप अगर फिक्स करना चाहें तो फिक्स कर सकते हैं अपनी मर्जी से जो यहाँ पर एक जगह पर वो बैकग्राउंड इमेज इस तरीके से है तो इस वजह से ये आपको गैप नज़र आ रहा होगा वरना ये गैप यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इमेज बिल्कुल भी यहाँ पर कट आउट हो रहा है इमेज तो इस वजह से ये आपको गैप नज़र आ रहा है तो खैर खैरानिज़ हमने फ्लैक्स लाइटर को इम्प्लीमेंट कर लिया अब आप इसको जिस तरीके से भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं अगर इसमें कोई चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही हो आपको तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं तो स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसी वीडियो के जो नीचे लोअर थर्ड है उस पर भी मिल जाएगा वैसे हैंडल का नेम है परफेक्ट वेब सोल्यूशन पी के ऑन इंस्टाग्राम सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक और शेयर करना बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टेक केयर गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़